हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमने ये प्रोडक्ट लिया है, फोकस हो रहा है, हाँ हो गया फोकस। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो है कुछ ये वाला प्रोडक्ट है जो हमने यहाँ पे लगाया, और इससे यहाँ से माइक कनेक्ट होके अंदर जाएगा। तो आप लोगों को मैं आज यही बताने वाला हूँ कि हेलमेट सेटअप हम लोग कैसे बनाएं। तो इसको तो ऑलरेडी मैंने अनबॉक्स कर लिया है, तो यहाँ पे लगा भी दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेटअप मैंने कैसे बनाया। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये सेटअप बनाने के लिए पहले आपको एक हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि हेलमेट माउंट है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एक्शन कैमरा, जो कि हमारे पास है ये वाला हीरो 2018 GoPro बेसिक हीरो। और इसके साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी ये चिन माउंट की, क्योंकि GoPro के साथ जो चिन माउंट आता है वो हेलमेट में सेट नहीं होता है, मेरे हेलमेट में सेट नहीं होता है। इसके लिए मैंने ये वाला मंगवाया है, 3mm का टेप लगा हुआ है पीछे, काफ़ी अच्छा है, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको चाहिए माइक एडाप्टर और ये बेसिक सा माइक। अब लोकल मार्केट में 100-150 का आ ही जाएगा, या उससे कम भी आ सकता है। सो चलिए कैमरा को चेंज करते हैं और दिखाते हैं आपको ये बेसिक सा हेलमेट सेटअप आपको कैसे बनानी है। तो स्विच करते हैं दूसरे कैमरा पे। तो मैं बताना भूल गया था कि ये वेलक्रो भी बहुत ज़रूरी है, और इसको मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है। तो इसके पहले हम ये हेलमेट लेंगे, हेलमेट को अच्छे से क्लीन कर देंगे पूरा, ठीक है, पूरा साफ़ रखना है। और इसके साइड में जो ये वाला है ये मैंने लगा लिया था डबल टेप से, तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद ये जो चिन माउंट है, ये चिन माउंट इसको पूरा सेंटर में लगाएंगे। मेरे हेलमेट में वो सीधा लाइन दिया हुआ है कि कैसे सेंटर है, तो यहाँ पे मुझे पूरा इजी रहेगा सेट करना। तो यहाँ पे इसको सेंटर में रख के, पूरा लाइन के सीधे में रख के इसको चिपका देते हैं। तो ये मैंने लाया पूरा एग्जैक्ट सेंटर में, मैच करके इसको सेट कर दिया, सेट करके चिपका दिया। आप भी ऐसे देखिएगा, अगर आपके हेलमेट में ऐसे लाइन नहीं है तो आप सेंटर सिलेक्ट करके मार्कर से थोड़ा सा लाइन खींच दीजिएगा, ताकि आपको सेंटर का अंदाज़ा हो जाए। अच्छे से हम लोग प्रेस करके दबा के लगा देंगे, और उसके बाद अपना कुछ ऐसे दिखेगा। और ये देख सकते हो मैं उठा रहा हूँ, नहीं गिर रहा है, कितना मज़बूत है ये डबल टेप। जैसे कि मैं आपको बता रहा था पहले, बहुत ही अच्छा है ये चिन माउंट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम अपना एक्शन कैमरा खोल रहे हैं, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग पहले ही कर दिया था, आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, चेक कर लेना। तो ये GoPro को हम निकाल देते हैं, तो GoPro को निकाल दिए। ये बॉक्स के अंदर क्या क्या है मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, यू ब्रेक इट वी रिप्लेस इट, और उसके अंदर कुछ कागज़, कुछ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स, फिर इसके अंदर कुछ माउंट्स। ये इसका बैटरी और मेमोरी कार्ड मैंने एक ही बैग में रख दिया था, और ये कुछ माउंट्स, और एक जे माउंट जो मैंने लाया था अमेजोन से, ये वाला। तो इसको आप लोग ऐसे लगा सकते हो नीचे की तरफ, या फिर उल्टा करके भी लगा सकते हो, आपको जैसा कन्वीनियंट होगा आप वैसे लगा लेना। बट मैं प्रिफर करता हूँ इसको सीधा नीचे की तरफ लगाना, कुछ ऐसे। और ये रहा हमारा एक्शन कैमरा। तो हेलमेट में लगाने के लिए जो जे माउंट मैंने बताया था, उसके ऊपर आप इसको
चिपका के फिर ये स्क्रू डाल सकते हैं। स्क्रू एक्शन कैमरा के साथ ही आता है और ये जे माउंट के साथ नहीं आता, या फिर आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो जे माउंट के साथ। तो ये कुछ ऐसे लग जाता है और आपका हेलमेट कुछ ऐसे दिखता है। हेलमेट के ग्लास में मैं भी दिख रहा हूँ, तो किसी इस तरह से दिखता है आपका हेलमेट। तो अभी इसका तो इसको आप लोग देखो ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो एंगल इसका, तो आप लोग चेक कर लेना कैसे एंगल से पूरा रोड दिखता है, आप लोग ये कर लेना। और ये हमारा माइक एडाप्टर जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट लिया था, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो वहाँ। तो ये मैंने इसको निकाल दिया और इसके अंदर सिर्फ ये एडाप्टर ही रहता है और कुछ भी नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रहता है। तो ये एडाप्टर कुछ गोप्रो का छोटा गोप्रो लगता है। तो इसको अटैच करने के लिए ये वेलक्रो लगाएंगे हम इस पर, ये जो रफ वाला पार्ट है इसको एडाप्टर में लगा देंगे और सॉफ्ट वाला पार्ट जो है उसको हम लोग हेलमेट पर लगाएंगे, क्योंकि कभी रफ वाला पार्ट अगर हेलमेट में लगाएंगे तो कहीं पर लग सकता है। तो इसके लिए तो मैंने 3mm टेप लाया था, मैं उसको इसमें लगा देता हूँ। और ये 3mm बहुत ही अच्छा है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। हालांकि आप लोकल स्टोर से ख़रीद सकते हो, बट अगर मेरे जैसे आलसी हो तो आप लोग ऑनलाइन मंगा लेना। तो इसके बाद इसको आप लोग लगा सकते हो यहाँ पर, फिर सेम साइज़ में इसको कट कर देना और कट करके सॉफ्ट वाला पार्ट हेलमेट में और रफ़ वाला पार्ट इस पे एडाप्टर पे लगा देना। देखो मैंने रफ़ वाला पार्ट एडाप्टर पे लगा दिया, अभी इसको हम लोग कट करते हैं। फिर कट करने के बाद ये जो मैंने लगा दिया था इसमें पहले ही, तो यहाँ पे आप लोग चिपका सकते हो। पहले एडाप्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, फिर इसको यहाँ पे चिपका देंगे। तो चिपकाने के बाद जो माइक है उसको यहाँ पे कनेक्ट भी करना है, पहले थोड़ा प्रेस कर देंगे अच्छे से। देखिए ऐसा लग गया ये पूरा स्ट्रॉन्ग। तो इसका माइक जो है, ये एडाप्टर जो दिया हुआ है इस पर, इसके अंदर माइक कनेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये माइक मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, बट ये वाला इसका अच्छा वाला जो है मैं अमेजोन पे देखा, वो भी मैंने ऑर्डर किया है, वो कुछ दिन में आ जाएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। अगर आपको चाहिए तो वहाँ आप लिंक से भी डायरेक्ट जाकर परचेज कर सकते हो। तो ये माइक हेलमेट के अंदर डालने के लिए हम इसको पूरा ऐसे अंदर लेंगे, पहले ये खोल देते हैं एडाप्टर को। तो ये एडाप्टर खुल गया, अभी ये माइक हम लेंगे, इसको पहले टेप से सामने की तरफ चिपका देंगे। तो ये मैंने टेप लिया, ये वाला टेप मैंने इसलिए लिया, सेलो टेप नहीं लिया, क्योंकि ये वाला चिपकता है बट इतना चिपकू टाइप का नहीं होता। जैसे वो सेलो टेप से अगर आप चिपकाओगे तो ग्लू अंदर पेस्ट होकर रह जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता, आप निकालोगे इसके साथ साथ ग्लू भी निकल जाता है। तो ये मैंने सामने की तरफ लगाया, और लगाने के बाद ये जो वायर है इसको हम ऐसे इसको पीछे से कुशन के नीचे ऐसे दबा के इसको पूरा घुमा देंगे एक राउंड। ठीक है, आप लोग देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ। तो ऐसे लगा के इसको पीछे से पूरा जो फोम दिया हुआ है उसको पूरा ओपन भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही इसका अंदर डाल दिया और इसको पूरा घुमा के ऐसे ले आया इधर। तो ये वाला आपका माइक पैड लग जाएगा, और जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसको मैं फोल्ड करके इसी के अंदर डाल दूंगा ताकि ज़्यादा बाहर ना निकले। तो इसका बचा हुआ पार्ट जो है मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, जो फोम है उसके अंदर डाल दिया ताकि ये ज़्यादा लटके नहीं। और ऐसे आपका हेलमेट है तो आप लोग इस वायर को ऐसे भी यहाँ पे छुपा सकते हो जब आप ये माइक यूज़ नहीं कर रहे होगे, तो ऐसे इसके पीछे भी आप लगा के रख सकते हो, छोड़ देना।
ठीक है। तो ये हमारा बन गया हेलमेट सेटअप। तो बस आपको ये अडेप्टर यहाँ पे लगाना है और अडेप्टर में इसको कनेक्ट कर देना है माइक को। तो ऐसे करके आपको सेटअप कंप्लीट हो जाएगा पूरा हेलमेट का। तो यार वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।